This is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about percentage. Percentage chapter में हमने कल की वीडियो में full basic concept clear किए थे. I hope आपको समझ में आ भी गए होंगे. अगर किसी भी student मेरे previous class को नहीं देखा है तो पहले फटाफट जाके मेरे इस channel पर प्लेलिस्ट आपकी डली हुई है परसेंटेज की, तो आप जाके वहां पे अपने जितने भी डाउट्स है परसेंटेज से रिगार्डिंग वो सारे क्लियर कर सकते हो. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा परसेंटेज का रहेगा, क्योंकि परसेंटेज क्या है कि आप काफी तरीकों से निकाल जा सकती है, जैसे और काफी टाइप की भी होती है. जैसे कि आपकी सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, रेशियो अगर हम बात करें तो उसमें हम कैसे परसेंटेज को निकालेंगे, तो काफी तरीकों से एवरेज आ गया आपके पास. तो हम हर एक डे वन बाय वन अपने एक एक टॉपिक उठाएंगे परसेंटेज वाला और सारे के सारे क्लियर करते हुए चलेंगे. कल हमने क्या था, ओनली परसेंटेज के बेसिक के बारे में कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं इन केस ऑफ द फ्रैक्शन एंड द डेसिमल, ऑल दैट क्लियर. आज जो करेंगे वो करेंगे हम कंपेयर वाला. अगर आपके पास दो नंबर आ जाए, वो बोले कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये पूछे कि भाई इनको कंपेयर करो या फिर नंबर बताओ, कैसे हमें परसेंटेज दूसरी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. कैसे क्वेश्चन करोगे, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि व्हाट परसेंट ऑफ B is A, या फिर इसका सेकंड आ जाए कि A is what percent of B, और A और B हमारे पास दो नंबर दे दिए कि A को तो मान लिया हमने क्या मान लेते हैं हम 40 मान लेते हैं और B को मान लेते हैं हम क्या 120. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास, अगर ये दो नंबर गिवन है A 40 B 120 और क्वेश्चन बोले कि व्हाट परसेंट ऑफ B इज A, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ऑफ आ जाए या देन अगर आ जाए, मैंने क्या बोला ऑफ या देन, अगर दो वर्ड आ जाए तो ये ध्यान रखना कि इसकी ही वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हुए चलेंगे. क्या बोला मैंने, अगर ऑफ या देन अगर आपके पास आ जाए तो हम उसी की वैल्यू के साथ क्या करेंगे कंपेयर करते हुए चलेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, ऑफ किसके साथ आ रहा भाई, हमारा बी के साथ आ रहा, तो इतना हमें पता चल गया यहां से कंफर्म हो चुका कि बी तो आ गया नीचे, कंपेयर करेंगे और ए जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई हमारा ऊपर रहेगा. और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते हैं, करते हैं नहीं करते हम करेक्ट ना यहाँ तक. तो ए की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, क्या गिवन है 40, बी की वैल्यू 120 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, ए जो से जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 3 12, तो 100 अपॉन में 3. पॉइंट ऑफ निकालना चाहो तो पॉइंट ऑफ में आपका इजीली निकल सकता है, ये आ गया आपका परसेंट में. ध्यान रखो कि जहां पे भी आपका ऑफ या देन आ जाए तो आप उसी के नंबर के साथ कंपेयर करते हुए चलोगे. अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाता कि ए ये तो इसका सेम ही है, ये दोनों ए की है भाई, इसमें कंफ्यूजन मत रहना. अगर व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए आ जाए या ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी आ जाए, कंपेयर तो भाई हम बी को ही कर रहे हैं ना, तो दोनों जो है वो एक ही स्टेटमेंट है, कभी आप लोग पजल हो जाओ इसमें, दोनों एक ही है ये आपकी कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए आ जाए या ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी आ जाए, ऑफ आ गया बी के साथ ही कंपेयर कर रहे, तो दोनों सेम स्टेटमेंट है. अगर इसी के अंदर दूसरी स्टेटमेंट बना दी मैंने, दूसरी स्टेटमेंट क्या आ गया आपके पास कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का और इसी का ये पार्ट है ये हमारा ऑफ, मैंने बोला तो ऑफ या देन आ जाए तो उसी के साथ क्या करेंगे हम कंपेयर करते हुए चलेंगे. ए हो गया ऊपर, क्या हो गया बी, मल्टीप्लाई क्या हो गया आपके पास 100, वेयर बी की वैल्यू क्या 120 और ए की वैल्यू क्या भाई 40 मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, एक जो से जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 3 12, तो कितनी परसेंटेज आ गए हमारे 300 परसेंटेज आ गए. आया क्वेश्चन ये नहीं आया समझ में, ऑफ या देन अगर आ जाए तो आप उसी के साथ कंपेयर करते हुए चलोगे. बी का हो गया ए के साथ हमने ले लिया. अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए
कि बी मोर देन बी आ जाए, अगर हम कंपेयर करते चल रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज मोर देन बी आ जाए, या फिर लेस देन आपको बी आ जाए, या ए आ जाए इनकी जगह, जरूरी नहीं कि बी ही मिले, आपको ए भी मिल सकता है। अगर इस टाइप के दोनों टाइप के अगर क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे सॉल्व करो, तो ए बार कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला कि ऑफ या देन आ जाए तो मतलब उसी की वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्लियर है यहां तक? अब आपके पास जहां तक हो गया ऑफ या देन का, अगर आपके पास पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ए की वैल्यू क्या थी 40 और बी की वैल्यू क्या थी हमारी 120, चलो इसको स्मॉल भी रख लेते हैं हम, ओके, या कैपिटल भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो आप लोग। अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए लेस देन की कर लेते हैं पहले हम, फिर करेंगे हम मोर देन की, ठीक है? तो लेस देन की क्या रहेगी, स्टेटमेंट लिख लेते पहले हम इसकी कि व्हाट लेकिन बाय हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो सबसे पहले देखो देन आ गया तो मतलब कि कंपेयर किसके साथ करें, हम बी के साथ करें, तो बी तो हमने रख लिया नीचे, और लेस देन अगर आ जाए तो सबको पता है कि लेस अगर आ जाता है तो मतलब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस किस में से करेंगे, हम बी में से करेंगे, कि बी माइनस में क्या हो गया ए मल्टीप्लाई क्या होगा परसेंट निकालने के लिए 100, क्लियर है तक? बी की वैल्यू क्या अभी 120 आउट ऑफ 40 क्या होगा 80, बी की वैल्यू क्या 120 मल्टीप्लाई क्या होगा भाई 100, 8 से 8 0 कैंसिल, 4 2 8 4 3 12, तो ये आगे कुछ इस तरह से आपके पास 200 अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, पॉइंट ऑफ में करो 3 6 18 3 6 18 3 6 18, नियर अबाउट आपका 66.6 आंसर इसका आएगा। चीज आए समझ में या नहीं आए आपको, क्वेश्चन आए समझ में या नहीं आए, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बाय हाउ मच परसेंट ऑफ ए इज लेस देन बी, कि वो कितना कम है आपका, ठीक है? अगर इसी को हम बोल दें यहाँ पे कर देते हैं हम बी और यहाँ पे कर देते हैं हम ए, तो ये ध्यान रखो फिर ए के साथ कंपेयर करते हुए चलोगे, ठीक है? ए के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे हम, और 180 वही आपका 80 आ जाए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, तो 8 से 8 0 कैंसिल, 4 1 4 4 2 8, तो क्या आ गया हमारे पास 200% आ गया। आई जी समझ में? अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो दोबारा मैं रिपीट करा देती हूँ, अगर ऑफ या देन अगर आ जाए तो यहाँ ध्यान रखना कि जिस भी नंबर के साथ आपका, जिस भी वैल्यू के साथ आपका ऑफ या देन अगर आ जाता है, आप उसी नंबर के साथ कंपेयर करते हुए चलोगे, ठीक है? लेस देन ए आ जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बाय हाउ मच बी इज लेस देन ए, तो लेस देन देन आ गया ए, और हिंदी मीडियम वाले भाई से अगर वर्ड आएगा आपका क्या आएगा, से आएगा आपका, तो ध्यान रखना सेम अगर वर्ड अगर आ जाए तो याद रखो कि उसी वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हुए चलोगे। ये ध्यान रखो कि किसके रिगार्डिंग आपको कौन सी वैल्यू कंपेयर करनी है, क्या क्या चीज आपके पास गिवन है, देन आप कंपेयर करते चलोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसी से बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे आपके, तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे। अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं 20 20 80 से कितना परसेंट कम है, लो हिंदी मीडियम का लिया है हम, कितना परसेंट कम है, और इंग्लिश में बनाए तो कि बाय हाउ मच या व्हाट परसेंट इज लेस देन 80, तो कि 20 है जो 80 से कितना परसेंट कम है, तो स्टेटमेंट और लिख देते लोग हिंदी इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई कि व्हाट परसेंट ट्वेंटी इज लेस देन 80,
ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ देखो, पहले तो हिंदी मीडियम वाले देखो भाई, यहाँ पे आ रहा है से किसके साथ है, एटी के साथ। यहाँ पे क्या आ रहा है, देन किसके साथ है, एटी के साथ। तो मैंने बोला था से या देन अगर आ जाए तो उसी वैल्यू के साथ क्या करते हुए चलेंगे, हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। अब 20 है वो 80 से कितना कम है भाई, 60 कम है, और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 80 से। तो 60 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई क्या हो गया भाई, 100। एज से एज कैंसिल, 4 2 8 और 4 2 8 4 5 20 2 1 2 2 3 6 75 क्या आ गया हमारे पास, परसेंट आ गया। आए ना क्वेश्चन समझ में? अगर हिंदी में आ जाए कि 20 80 से कितना परसेंट कम है, या जो व्हाट परसेंट 20 इज लेस देन 80, तो ये देखो ये इससे कितना कम है, जितना कम है और किससे कम हो रहा है आपका, वो चीज देखो। देन या से आ जाए तो उसी वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हुए चलेंगे और आपके परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, अगर क्वेश्चन में ये बोल गया आपसे कि 80 20 से कितना परसेंट अधिक है, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे, बात बराबर ही है, बस इस चीज का फर्क हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे वो नहीं रहेगा कि भाई आप लोग और कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत है या फिर आपको स्टेटमेंट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। अगर हम इंग्लिश में लिखे तो कि व्हाट परसेंट 80 इज मोर देन 20, तो ध्यान रखो से आ गया देन आ गया, तो मतलब इतना पता चल गया 20 कितना अधिक है भाई, 60 अधिक है या नहीं अधिक, मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, एज से एज कैंसिल, 2 3 6 0, तो कितने परसेंटेज आ गया हमारे पास, 300% जो है वो अधिक है इस नंबर से। क्लियर है तक? आई चीज समझ में या नहीं आई आप लोगों, आगे ना चीज समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, इफ 120 ऑफ 20%, इफ ध्यान से क्वेश्चन समझना, इफ 120 ऑफ योर 20% ऑफ ए नंबर, हमें नंबर नहीं पता क्या है, देन टू फाइंड ए 120% ऑफ दैट नंबर, अगर 120% है किसका, 20% का, तो हमें बताने कि 120% का नंबर क्या होगा, कैसे निकालोगे, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो उस नंबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे हम। इफ 120 रख रहे हैं हमें साइड में, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और किसका 20 बाय में 100, ठीक है, एज से एज कैंसिल, 2 5 जा यहां तक हो गया, x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 600। आई चीज समझ में? क्वेश्चन निकालना था कि इफ 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, अगर यहां तक भी आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, नंबर क्या है हमारे पास नहीं पता क्या है, तो उस नंबर को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ऑफ है 20%, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 20 अपॉन में क्या होगा हमारा 100 इज इक्वल टू 120, और हमने इजीली अपने x की वैल्यू निकाल लिया। अगर कंपेयर वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे, इतना मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग इजीली कर लोगे हर क्वेश्चन को। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए इफ x परसेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x परसेंट ऑफ 25/2 is 150, तो it is या get आ जाए तो क्या होगा, equal का sign, x percent है तो अपॉन में क्या कर दिया हमने 100, okay, multiply क्या होगा 25 by में क्या होगा भाई 2 हो गया, 25 चौक 100, तो x is equal to क्या होगा अपॉन में 8 is equal to 150, तो x is equal to 150 multiply में 8, multiply करना भाई कितना आंसर आ जाएगा, 0 8 5 4 4 8 5 8 4 12, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, आएगा या नहीं आएगा आपका, आ जाएगा ना, एवं क्या क्वेश्चन चेक करते हैं, मिस्टेक तो नहीं कि 20 25 4 100 4 8, बिल्कुल ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा आपका। आई चीज समझ में?
एक तो स्पेयर वाला भाई, अगर इनकी रेडियस वगैरह इंक्रीज होते परसेंटेज बताओ, या कोई न्यू फ्रैक्शन आपके पास गिवन है तो उसकी बताओ परसेंटेज क्या रहेगी। तो एक बार न्यू फ्रैक्शन वाले और परसेंटेज को हम देख लेते हैं ताकि आप लोग इजी सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको क्वेश्चन ये आपके आगे सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप मैंने क्या कराई थी परसेंटेज फ्रैक्शन में डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, सेकंड टाइप मैंने बताई थी जो अभी ऑफ और देन से कंपेयर करते हैं, और ये आ गया आपके थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कुछ इस तरह से कि इफ वी एड 16 2/3% ऑफ ए नंबर इटसेल्फ it becomes 770, तो find the number। आपको क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि 16 2/3 किसका परसेंट कन्वर्ट करने पर बनता है, ये हमारा जहां तक पता है कि 1/6 मल्टीप्लाई क्या होता है 100 होता है। तो ये हो गया 2 3 6 2 5 10 0, 3 को जब हम इससे करते हैं थ्री को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 3 6 18, तो हमें पता है कि 1/6 परसेंट का ये बन रहा है। ठीक है, बन रहा है नहीं कि 1.1/6 परसेंट को जब कन्वर्ट करते तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन के आ जाता है। आगे ना चीज समझ में, आप बोले ऐड कितना ऐड करें भाई, 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, 7 में कितना ऐड करें कि 770 हो जाए, तो 1 में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 110 को जो हम 6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 6 6 6 6 60 660 आपका आंसर आ जाएगा। 11 × 6 = क्या हो गया हमारे पास 660। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, इसने बोला कि इफ वी ऐड 16 2/3% ऑफ ए नंबर इटसेल्फ इट बिकम 770 फाइंड द नंबर। अब इतना चीज को ध्यान रखो कि आप इनको कन्वर्ट कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान रखा तो आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, 1 का तो क्या रहेगा ओनली 1% रहेगा, 100% देगा ये 1 तो अपना, और 2 कितना देगा आपका 50% देगा, और 3 कितना देगा 33.33% देगा, या आप इसको फ्रैक्शन लिख सकते हो 33 1/3, और 4 कितना देगा अपना 25% देगा, और 5 कितना देगा भाई 5 2 10 0 20%, और 6 कितना देगा, देखो 6 कितना देगा 6 × 6 = 36, 2 रिमाइंडर 16 2/3 देगा, और 7 इनका कौन में सारे में 1 1 कर लो भाई। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। इसी तरह 1/7 ये याद होना चाहिए आपको, 1/7 का जैसे क्या हो जाए आपके पास 1/7 का निकालो तो 1/7 कैसे निकालो 100 का, 7 × 7 = 30 7 × 28 2 अपॉन में क्या आ गया 7, तो ये आ गया 7 का। इसी तरह आप 1/10 है 10 तक आप सारे फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हो इजिली, जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कैसे आप चीजें आ सकती है। तो ये चीज अगर आपको याद है तो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो ऐड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, एक बार हम सब्ट्रैक्ट वाला और कर लेते हैं ताकि आप लोग और क्वेश्चन को बेहतर कर सको, आपको समझ में भी आ जाए। तो एक बार सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट अब किसका लेके चले भाई, वो तो 1/6 का लेके चले थे, अब 1/7 का ले लेते हैं। ठीक है, 14 और क्या था 2/7% ऑफ ए नंबर इटसेल्फ बिकम ए 2400 फाइंड द नंबर, नंबर बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखूं कि 42/7% ये किसका होता है, हमारा 1/7 का होता है, किसका होता है 1/7 को जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। सब्ट्रैक्ट कितना सब्ट्रैक्ट करें भाई, 6 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और 6 में कितना बन रहा है हमारा 2400 बन रहा है, तो
तो एक में कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। तो सात में कितना हो जाएगा, नीचे वन कितना हो जाएगा, 7 × 400, तो क्या नंबर आ जाएगा आपके पास, 2800 आ जाएगा, 2800 नंबर रहेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सब्ट्रैक्ट या ऐड क्या करें हम इस नंबर से कि हमारी कितनी वैल्यू आए या कितना नंबर आए, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, अगर ऐड करना तो ऐड कर लो इनको, ठीक है। अगर ऐड को आ जाता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, 8, 8 में कितना बन रहा है, 2400, तो एक का कितना हो जाएगा रेट, 300 हो जाएगा। तो 8 का रेट कितना, सॉरी 7 का रेट कितना हो जाएगा, फिर 7 क्या 21, 2100 हो जाता है। फिर हमारा आ गया चीज समझ में। तो आज से क्वेश्चन थे आपके, थोड़े थोड़े इसलिए करा रहे ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, नहीं कराने को तो मैं एक दिन में सारे टाइप करा सकती हूँ परसेंटेज की, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपने हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। तो ये थे आज के, कितने टाइप होगी अभी हमारी, एक तो टाइप होगी कि फ्रैक्शन परसेंट को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन चेंज करते हैं एंड डेसिमल में, ये कौन सा क्लियर मैं मान के चलती हूँ आप लोगों का। सेकंड क्या किया था भाई हमने, सेकंड क्या किया हमने, ऑफ और देन का किया हमने, ऑफ और देन का। थर्ड करके चले थे हम कंपेयर, अच्छा इसी में आ गया ऑफ और देन का, कंपेयर में। और थर्ड टाइप होगी ये, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। तीनों टाइप हो गई आपकी, अभी और टाइप बचती है आपकी, कम से कम तो 3-4 टाइप और बचती है आपकी, तो डेली के डेली हम एक एक टाइप अपनी करते हुए चलेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।